Let's do question number 13th of exercise 8D, that is algebraic expression. 13th question is xy minus bigger bracket yz minus zx minus curly bracket yx minus small bracket 3y minus xz small bracket closed minus small bracket xy minus zy. Then तीनों brackets closed. तो चलिए अपना 13th question उतार लेते हैं. xy minus bigger bracket yz minus zx minus yx curly bracket के बाद minus small bracket 3y minus xz small bracket closed minus xy minus zy small bracket closed curly bracket closed and bigger bracket closed. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले small brackets open करेंगे और दोनों small bracket के बाहर minus sign है, तो अंदर वाली values के sign क्या हो जाएंगे? Change हो जाएंगे और बाकी चीजें as it is. तो minus yz minus zx minus curly bracket yx minus 3y हो गया और xz plus का हो गया, क्योंकि बाहर क्या था? minus sign था. इसी तरीके से minus इसका xy हो गया और zy plus का हो गया. curly bracket and then bigger bracket. अब देखिए कोई सी like term हो तो उसको add या subtract कर देते हैं. देखिए yx कहें या xy कहें बात एक ही है. देखिए अगर मैं कहूँ 2 into 3 तो भी 6 आएगा, 3 into 2 भी 6 ही आएगा. इसी तरीके से xy कहें या yx कहें बात एक ही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में multiplication है. ये मैं already पढ़ा चुकी हूँ. तो देखिए yx कहें या xy कहें दोनों बात एक ही है, लेकिन एक plus का एक minus का है तो cancel हो जाएगा. तो हमने ये cancel कर दिया. और कोई like term नहीं है क्योंकि यहाँ xz है यहाँ zy है, तो बाकी चीजें as it is लिख लेंगे. तो minus yz minus zx minus curly bracket minus का 3y plus xz plus zy. अब curly bracket closed and bigger bracket closed. अब देखिए अब हम curly bracket open करेंगे तो हमारा minus sign है बाहर, तो अंदर के sign फिर से change हो जाएंगे, बाकी values as it is. तो देखिए yz minus zx as it is, 3y plus का हो गया, xz minus का हो गया और zy भी minus का हो गया. तो अब देखिए यहां देखेंगे तो yz यहां प्लस का है, ये माइनस का है, zy कहें या yz कहें बात एक ही है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए. इसी तरीके से अगर आप देखेंगे zx कहें या xz कहें बात एक ही है, दोनों माइनस के हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. तो आप इसको xz भी लिख सकते हैं और zx भी लिख सकते हैं. तो मैंने माइनस का 2xz कर दिया प्लस 3y एज इट इज. माइनस का 2 क्यों? देखिए दोनों माइनस के थे आपस में ऐड हो गए, 1 plus 1 is 2, तो इसलिए माइनस का 2xz कर लिया. अब फिर से बिगर ब्रैकेट ओपन करेंगे लेकिन बाहर क्या है? माइनस का साइन है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. तो 2xz minus 3y. अब कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो ये आपस में ऐड नहीं होगी, एज इट इज छोड़ देंगे. तो दिस इज द आंसर. ये टर्म इधर लिखें या इधर लिखें या ये टर्म इधर लिखें या इधर लिखें, आंसर सही है. तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं टर्म्स, तो दिस इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14th नाउ. क्वेश्चन नंबर 14th इज 2a minus 3b minus bigger bracket 3a minus 2b minus curly bracket a minus c minus small bracket a minus 2b and small bracket closed curly bracket closed and bigger bracket closed. चलिए अपना question number 14th उतार लेते हैं. 2a minus 3b 2a minus 3b minus bigger bracket 3a minus 2b 3a
माइनस टू बी माइनस कर्ली ब्रैकेट ए माइनस सी, ए माइनस सी माइनस स्मॉल ब्रैकेट ए माइनस टू बी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तीनों ब्रैकेट क्लोज्ड हो गए, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसके बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज के और बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख देते हैं। माइनस थ्री ए माइनस टू बी माइनस कर्ली ब्रैकेट ए माइनस सी माइनस, अंदर की साइन चेंज हो गए, ए माइनस का हो गया और टू बी प्लस का हो गया, कर्ली ब्रैकेट एंड बिगर ब्रैकेट। अब देखिए अगर आप देखेंगे लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये ए ए लेकिन एक प्लस की एक माइनस की है तो कैंसिल हो जाएगी राइट। तो अब देखिए टू ए माइनस थ्री बी माइनस थ्री ए माइनस टू बी माइनस कर्ली ब्रैकेट में टू बी माइनस सी लिख दिया, आप चाहें तो माइनस सी प्लस टू बी भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं दोनों तरीके लिखने के। अब देखिए अब हमें कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और बाहर क्या है माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे तो टू ए माइनस थ्री बी एज इट इज माइनस थ्री ए माइनस टू बी एज इट इज और अंदर के साइन चेंज कर लेंगे तो टू बी माइनस का हो गया और सी हमारा प्लस का हो गया राइट। अब देखिए लाइक टर्म्स कौन सी हैं, टू बी दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे तो टू ए माइनस थ्री बी माइनस थ्री ए दोनों माइनस की थी तो आपस में ऐड हो जाएगी तो माइनस का फोर बी प्लस सी। अब देखिए फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे बिगर ब्रैकेट और उसके बाहर क्या है माइनस का साइन है तो अंदर की वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे तो टू ए माइनस थ्री बी एज इट इज माइनस का थ्री ए फोर बी प्लस का हो गया और सी माइनस का हो गया। अब लाइक टर्म्स आपस में ऐड कर देते हैं तो देखिए ए वाली टर्म्स एक प्लस की एक माइनस की है तो साइन बड़े वाले का लगेगा और आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो थ्री में से टू गया इज वन तो माइनस ए लिख दिया। अब इसी तरीके से बी वाली टर्म्स देखिए एक माइनस की एक प्लस की है तो साइन बड़े वाले का लगेगा और आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो प्लस बी माइनस सी क्योंकि सी की कोई लाइक टर्म नहीं है इज द आंसर।